पटना के पारस हॉस्पिटल का एक बड़ा मामला आया सामने। पारस हॉस्पिटल में माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव कल्याण बीघा की एक मां के साथ गैंगरेप का वारदात हुआ, जिसके बाद आज जन अधिकार महिला परिषद के बहनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रिकॉर्ड कर रहे थी, ठीक गलत काम किया है, मुंडी हिलाना अगर हाँ नहीं तो ना, मुंडी हिलाना गलत काम किया है। के बजे रात को हाँ कब कब किया मम्मी? शाम में किया है, मेरे जाने के बाद, मेरे जाने के बाद। बोलिए क्या हुआ था, क्या हुआ था बताइए आपके साथ, आपको इंसाफ मिलेगा, बोलिए क्या हुआ था। क्या कुछ यहाँ पे हॉस्पिटल में आता है कोई भी इंसान क्या जो आरोप लग रहे वो सही है? आरोप का मुझे नहीं पता, जैसा मेरी मम्मा ने बताया डॉक्टर के हिसाब से वो अनकॉन्शियस है, इस वजह से उसने ऐसा बोला। मम्मा जब ठीक हो जाएगी तो मैं चाहती हूँ कि अगर अभी पारस हॉस्पिटल पे तो ये बहुत बड़ा क्लेम है इतने बड़े हॉस्पिटल पे, तो पारस हॉस्पिटल की पूरी टीम हेल्प करे मेरी मम्मा को जल्दी से जल्दी रिकवर करने का। उसका सीटी वैल्यू भी अभी 10/25 है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, पर वो भी वेंटिलेटर पे। मैं चाहती हूँ मम्मा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और वो खुद ये स्टेटमेंट है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ये विक्टिम मैं नहीं हूँ। विक्टिम अगर अगर विक्टिम है वो स्टेटमेंट के साथ साथ अगर आपने फेसबुक पोस्ट किया था जिसमें कहा था ले चुके हैं पारस अस्पताल, अब से अब तक कितने ले चुका है पेमेंट ये कितना हुआ है बताइए? अच्छा 2 लाख लिया है, फिर ये सुधार नहीं हुआ है, 2 लाख लिया है। आप किसी का दबाव है, किसी तरह का दबाव, किसी तरह का दबाव से आप डर रही है क्या बोलने से? दबाव है, डर रही है एफआईआर करने से भी। प्रशासन से बात हुई है? प्रशासन से बात अभी नहीं हुई है, क्योंकि एफआईआर बच्ची जब तक नहीं करेगी तब तक हमारी प्रशासन से कार्रवाई नहीं करेगी। जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल, हम जांच की मांग करते हैं। और एक चीज और बता दूं मैं, उच्च स्तरीय मांग हो, और कहीं ना कहीं पारस की ऐसी जो हालात है कि डॉक्टर्स भी ढंग से कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। ये पहले भी आरोप लगता रहा, ये आरोप लगता है आगे तक जो लोग वहाँ रह रहे थे। उस बच्ची को अनकॉन्शियस और क्या क्या कह के दबाया जा रहा है, सही सही है कि बच्ची अनकॉन्शियस है, इसको हटाया जाए। दिस इज नॉट अ सिस्टम, सिस्टम में अगर वो माँ ठीक होकर यहाँ से नहीं जाती है तो मैं कहूँगी उच्च स्तरीय नहीं पारस को ही देखा जाए कि पारस के अंदर कितने काले धंधे हो रहे हैं और क्या क्या चीजें हो रही है, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल बिहार का ये जांच का विषय बने कि ऐसी वारदात दूसरी महिला के साथ ना हो। वो बच्ची इतनी गई हुई है कि वो स्टेटमेंट नहीं दे पा रही है, लेकिन वो ये कह रही है कि मेरी माँ ठीक होकर जाएगी तो मैं स्टेटमेंट दूंगी। इस चीज को समझने की जरूरत है, इस चीज को बिहार सरकार को भी संज्ञान और प्रशासनिक कार्रवाई बहुत तेजी से हो, क्योंकि प्रशासन की ढिलाई के कारण ये सब वारदातें हो रही है। अगर प्रशासन आज आगे रहे और कार्य करे अपना तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की वारदात दोबारा होगी बिहार। प्रशासन सख्त हो। 15 तारीख को एडमिट हुई उसकी माँ यहाँ, कंडीशन वो क्या था, उनको क्या हुआ, दिक्कत क्या हुई? कोरोना पॉजिटिव हुई, कंडीशन ठीक था, पति उसे लगा कि लोगों को बताना है, पारस जैसे हॉस्पिटल में आके एडमिट कराया जाए। आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, देखिए 16 को बच्ची को 5 बजे यहाँ से वो जाती है अपने घर, उसके बाद रात के 10 बजे उसे कोई मैसेज आता है, 10 से 11 बजे की अर्जेंट अर्जेंट करके मैसेज आता है, क्योंकि उसने देखा नहीं था। सुबह वो जल्दी से आती है तो फोन आता है मॉर्निंग में, तो सुबह जल्दी व्हाट्सएप पे आया, फिर वो फोन उसकी माँ आईसीयू में एडमिट हुई। उसके बाद उसी दिन 16 तारीख जिस दिन वो यहाँ आती है, 16 की रात की ये वारदात है, 17 को सुबह वो बच्ची पहुँचती है, 17 को सुबह यहाँ बताया जाता है
आपकी माँ आपकी बहुत सीरियस है, क्रिटिकल कंडीशन पे है, उनको वेंटिलेटर पे डालना है। ये बच्ची अपनी माँ से जब बात करती है तो उसकी माँ बोलती है कि मेरे साथ छेड़खानी हुआ है, ये दो बंदे और एक आदमी और तीन एक कोई बाहर का था, आई डोंट नो कौन था, लेकिन दो यहाँ के जो मस्त छेड़खानी की है, ये रेप हुआ है मैडम। सबसे पहले लड़की से क्या कुछ बात हुआ, मैं वही बता रही हूँ। बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई है, वो मीडिया को फेस इसलिए नहीं करना चाह रही है क्योंकि उसे ये डर है सिफारिश में एडमिट होने के बाद लोग वापस नहीं जाते। अच्छा, ये दिमाग में उस बच्ची के बैठा है कि अगर मैं मीडिया को फेस करके अगर FIR करती हूँ तो फिर ये चीज आगे उसकी माँ पे प्रॉब्लम होगी और उसको मार डाला जाएगा। आज वो अचानक से वेंटिलेटर पे चली गई, जो मदर कह रही थी कि मैं एक्सरसाइज करूँगी, मैं ठीक हूँ, उसके हाथों को बांध के, क्योंकि प्रोसेस अगर आपका है कि आप हाथों को बांधते हैं ठीक है, लेकिन ये वो कैसी इतना भी कोई लेडी के अंदर इतना नहीं हो जाए तो बोलेगी कि मेरे साथ सही 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 बात है, बिल्कुल बोलिए। क्या लगता है आपका ये मुहिम जो आप लोग समर्थन में आए हुए हैं, क्या लगता है? शर्मनाक है ये, काफी शर्मनाक है, इससे गंदी वारदात नहीं हो सकती है कि बच्ची को जला के रखा गया है अंदर, वो बच्ची स्टेटमेंट नहीं देगी अभी क्योंकि वो वेट कर रही है उसकी माँ जिंदा यहाँ से चली जाए, वो कह रही है कि मेरी माँ स्टेटमेंट देगी, आपने सुना? उसे इतना डर है कि आज फारस में एडमिट हो गया, तुरंत वो ICU में गई, तुरंत फिर वेंटिलेटर पर उसकी माँ चली गई। और इतनी गंदी वारदात अगर कोई लेडी अपने बारे में बोल रही है, अगर कोई बच्ची बोल रही है, तो कोई भी औरत मुझे नहीं लगता है कि आगे आके बोलेगी कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है। अपनी इज्जत प्रतिष्ठा एक मदर को होती है, सही बात, एक औरत को होती है। आज स्थिति बिहार की इतनी बिगड़ चुकी है, शासन इतना बिगड़ चुका है, पेशेंट अगर है, पेशेंट अगर है।